वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं जिसे इस वीडियो में सोल्व करेंगे। सबसे पहला जो हमारा आज का प्रश्न वो है, समावेशी विकास का लक्ष्य प्रथम बार भारत की किस योजना में दिया गया है। इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इस लक्ष्य को भारत की जो विभिन्न योजनाएं हैं, ठीक है, भारत की जो टोटल पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो अंतिम योजना थी, तो समावेशी विकास का जो लक्ष्य है वो प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी समयावधि क्या थी, 2007 से 2012 तक। और इसमें जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास। तो समावेशी विकास का जो लक्ष्य है वो सबसे पहले 11वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की, आर्थिक वृद्धि की जो दर थी वो लक्ष्य क्या रखा गया था उसका, 9%, और वास्तव में जो प्राप्त हुई थी वो कितनी थी, 7.9%। ठीक है, हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकंड, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का हमको चयन करना है। सूची एक में हमको कुछ अवधारणाएं दी गई हैं जो सूची दो में किसके साथ मेल करती हैं ये हमको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम पृष्ठगामी और अग्रगामी श्रृंखलाओं की अगर बात करें तो इसका संबंध किससे है, असंतुलित विकास की अवधारणा से है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आना चाहिए वो आना चाहिए सेकंड। उसके बाद में टर्न पाइक प्रमेय जो है उसका जो संबंध है वो किसके साथ में है, वॉन न्यूमैन का जो मॉडल है उसके साथ में है। तो सेकंड में क्या आना चाहिए, वन। उसके बाद में पूंजी की जैविक संरचना जो अवधारणा है उसका संबंध किससे है, कार्ल मार्क्स के मॉडल से है। तो उसके बाद में ऑप्शन आना चाहिए हमारा थर्ड। और उसके बाद में जो एके मॉडल है, एके उत्पादन का जो फलन, उसको एक तरह से एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल कहा जाता है, अंतर्जात समृद्धि मॉडल कहा जाता है। तो हमारा जो सही क्रम है वो क्या होना चाहिए, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो सही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा इसमें, सेकंड, फर्स्ट, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दीर्घ अवधि में अस्थायी उपभोग होगा, ठीक है, लॉन्ग रन में जो अस्थायी उपभोग है, ट्रांजिटरी कंजप्शन है, वो किस प्रकार का होगा। तो दीर्घ काल की अगर हम बात करें तो जो उपभोग हैं वो क्या होना चाहिए, शून्य होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, कि दीर्घ काल में अस्थायी उपभोग क्या होगा, शून्य होगा, ऐसा फ्रिडमैन ने माना था। नेक्स्ट है फोर्थ, केन्स के अनुसार निवेश मांग निम्नांकित में से किन दो कारकों पर निर्भर करती हैं। तो देखिए प्रोफेसर किन्स की अगर हम बात करें तो किन्स का आय एवं रोजगार का जो सिद्धांत था, प्रभावी मांग का सिद्धांत, तो उन्होंने क्या बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो निवेश मांग होती हैं वो मुख्य रूप से एक तो ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, और दूसरा पूंजी की सीमांत कुशलता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC के ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पर दो कारक पूछे हुए, तो वो कारक कौन कौन से हैं, ब्याज की दर और MEC। तो करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों सही है, ठीक है। जो निवेश मांग है वो ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा MEC, पूंजी की सीमांत कुशलता पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट हमारा है फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है। देखिए फिलिप्स वक्र का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, AW फिलिप्स ने, और कब दिया था उन्होंने, 1958 में। उनका जो विश्लेषण था वो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े थे 1861 से लेकर 1957, इन आंकड़ों का उन्होंने विश्लेषण किया था और उसके आधार पर उन्होंने बताया था, जिसे हम फिलिप्स वक्र कहते हैं। तो मुद्रा जो फिलिप्स वक्र वो क्या बताता है, मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी के बीच में जो ऋणात्मक संबंध है, जो विपरीत संबंध है, उसको दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ,
उत्पादन कार्य में एक हमको उत्पादन फलन दे रखा है क्यू इक्वल टू ए एल की पावर ए और के की पावर क्या है बी है, तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है तो ए प्लस बी, ठीक है यहाँ पे हम ए प्लस बी इक्वल टू वन दे रखा है, तो ए प्लस बी इक्वल टू वन जो है वो किसको दर्शाता है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए थ्री आना चाहिए। उसके बाद में प्रतिस्थापन की जो लोच होती हैं, ठीक है प्रतिस्थापन की लोच किसके इक्वल होती हैं, एक के इक्वल होती हैं यहाँ पे, तो हमारा आंसर उसके बाद में क्या आना चाहिए थ्री के बाद आना चाहिए फोर। उसके बाद में इस उत्पादन फलन में अगर हम देखें तो उत्पादन की श्रम की जो लोच है, ठीक है एल की पावर कितनी है ए, तो ए हमारा यहाँ पे क्या है श्रम की लोच है, ठीक है तो फिर उसके बाद में क्या आना चाहिए वन। और जो पूंजी की लोच है, पूंजी को हमने के द्वारा लिखा है, के की पावर कितनी है बी है, ठीक है तो पूंजी की जो लोच है वो क्या है बी है, तो फिर हमारा जो सही क्रम है वो क्या होना चाहिए थ्री फोर वन टू, थ्री फोर वन टू ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गलत हैं, हमको कुछ अवधारणाएं दे रखी हैं उसमें से कौन गलत है हमको बताना, तो सबसे पहला है कि जो दसवीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि क्या थी 2002 से 2007 तक, पाँच वर्षीय बिल्कुल सही हैं। उसके बाद में जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना थी वो थी 2007 से लेकर 2012 तक, और बारहवीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी उसकी समय अवधि थी 2012 से लेकर 2017 तक, और उसके बाद में नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी, ठीक है तो जो पंचवर्षीय योजनाओं की जो कल्पना थी वो समाप्त हो चुकी हैं, तो ये बिल्कुल सही हैं। उसके बाद में भारतीय भूमि प्रणाली का आरंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में जमींदारी प्रणाली का आरंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था, तो ये कथन जो है वो हमारा गलत है ऑप्शन सी। और महलवाड़ी भूमि कालावधि प्रणाली आगरा और अवध में शुरू की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। जमींदारी जो प्रथा है वो भारत में 18वीं सदी में या 1793, ठीक है 1793 के आसपास सबसे पहले भारत में कहाँ शुरू की गई थी, बंगाल में शुरू की गई थी, और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है तो हमारा जो सही आंसर है यहाँ पे क्या हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एट भारत में आधुनिक लघु उद्योग की तुलना में परंपरागत लघु उद्योग की रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता अधिक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि जो परंपरागत लघु उद्योग थे वो एक तरह से श्रम प्रधान होते थे, जबकि जो आधुनिक लघु उद्योग है उसमें मशीनों का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो जो परंपरागत प्राचीन लघु उद्योग थे वो ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकते थे, ये कथन बिल्कुल सही है। फिर दूसरा हमारा है परंपरागत लघु उद्योग में प्रति श्रमिक पूंजी का मूल्य आधुनिक लघु उद्योग में प्रति श्रमिक पूंजी के मूल्य की तुलना में कम होता था, तो श्रम उस समय पूंजी जो है उसका मूल्य भी एक तरह से क्या होता था सस्ता होता था, तो ये भी बिल्कुल प्रति श्रमिक पूंजी का जो मूल्य है वो एक तरह से वर्तमान समय की तुलना में कम होता था सस्ता होता था, ये कथन भी बिल्कुल सही है जो इसकी व्याख्या करता है, ठीक है और इसी कारण से क्या होता था श्रम का जो प्रयोग है वो ज़्यादा होता था, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय अर्थशास्त्र में उपयोग में लाए गए आकस्मिक मूल्यांकन प्रणाली, ठीक है सी वी एम के बारे में सही हैं, तो देखिए पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो इसके संदर्भ में हम देखें तो कौन सा सही है, इसका प्रयोग केवल प्रदूषणकारी के लिए किया जाता है नहीं, इसका प्रयोग केवल सकारात्मक उपयोगिता की मदों के लिए किया जाता है ये भी नहीं, फिर इसका प्रयोग बाजार विफलता की मदों के लिए कहा जाता है, ठीक है बाजार विफलता जो एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं जो बाह्यताएँ होती है जिनकी वजह से बाजार असंतुलन मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित नहीं हो पाता है, बाजार एक तरह से विफल हो जाता है, और इस बाजार विफलता के लिए ही CVM जो आकस्मिक मूल्यांकन प्रणाली है उसका प्रयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित की स्थापना के आधार पर काला क्रमानुसार सजाएं, इनकी जो स्थापना है वो कब की गई थी,
सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय औद्योगिक निवेश बैंकें, विकास वित्तीय संस्थाओं संबंधी आरबीआई का जो कार्यदल हैं, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक जो हैं सिडबी हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी, ठीक है, तो 1990 में, ठीक है, सबसे पहले ये आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। उसके बाद में अगर हम देखें तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक हैं, इसकी स्थापना हुई थी 97 में, ठीक है, तो फिर आना चाहिए सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारा, ऑप्शन 3, उसके बाद में आना चाहिए 1। उसके बाद में अगर हम देखें बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जो हैं IRDA, ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी 99 के आसपास हुई थी, तो ये आना चाहिए 4, और उसके बाद में क्या आएगा हमारा, सेकंड, तो सही क्रम क्या होना चाहिए, 3142, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 11, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सावधि ऋणदाता संस्थाएं हैं जो टाइम डिपॉजिट जो हैं वो प्रदान करती हैं, समयावधि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं इनमें से कौन सी हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक तो जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हैं और दूसरा जो एग्जिम बैंक हैं, ये दोनों जो संस्थाएं हैं वो एक तरह से क्या करती हैं, सावधि ऋण प्रदान करती हैं, बाकी जैसे जो भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक और नाबार्ड जो है वो इस प्रकार के जो ऋण उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लेविस के द्विक्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता सही है? देखिए लेविस का जो मॉडल था मुख्य रूप से जो अल्प विकसित देश है वहाँ पे लागू होता है, और उनके मॉडल को लेविस का जो द्विक्षेत्रीय मॉडल था, टू सेक्टर मॉडल, उसको हम किस नाम से जानते हैं, श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत कहते हैं, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। और उनका मानना था कि जब श्रम आधिक्य होता है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त श्रम पाया जाता है जिसका औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग करके रोजगार के जो अवसर हैं उसको बढ़ाया जा सकता है, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम अधिक होता है, सरप्लस होता है, उनकी जो उत्पादकता है वो बहुत ही कम होती है या शून्य होती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा है 13, यहाँ पे हमको एक CES उत्पादन फलन दे रखा है जिसमें Q क्या है उत्पादन को दर्शा रहा है, और X1 और X2 क्या है श्रम और पूंजी की मात्रा को दर्शाते हैं, तो यहाँ पे हमको इनका सही चलन क्या है जोड़ों में हमको प्रदर्शित करना है, तो सबसे पहले अगर हम दक्षता प्रचलन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको A के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। उसके बाद में वितरण प्राचल जो है, ठीक है, वो हमारा होना चाहिए अल्फा, ठीक है, तो आएगा 3। उसके बाद में प्रतिस्थापन प्रभाव जो है, ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव हमारा ऑप्शन हो गया सेकंड। और उसके बाद में जो पैमाने के प्रतिफल हैं, ठीक है, उसको हम म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते, तो फिर आना चाहिए 1। तो यहाँ पर हमारा सही क्रम क्या होना चाहिए, 4321, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 14, बहुचर प्रतिमान में प्रतिगमन गुणांकों का परीक्षण किया जाना है, किस परीक्षण का प्रयोग किया जाएगा? जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसकी बात की गई है, उसके लिए कौन से टेस्ट का प्रयोग किया जाएगा, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एफ टेस्ट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, IS वक्र के बाई तरफ के बिंदु, ठीक है, हमारा जो IS वक्र होता है ये, और ये हमारा LM वक्र है, तो IS वक्र के बाईं तरफ मतलब इस साइड की बात की गई है, मुद्रा की अत्यधिक मांग करते हैं, तो ये गलत है। दूसरा हमारा है जो LM वक्र हैं, LM वक्र के दाईं तरफ के बिंदु मुद्रा की अत्यधिक मांग को, तो ये बिल्कुल सही है, मतलब दूसरा जो हमारा बी कथन है वो सही है। उसके बाद में अगर हम तीसरा कथन देखें तो तीसरा कथन जो है IS वक्र के दाईं तरफ मुद्रा की अत्यधिक आपूर्ति
को इंगित करता है, ठीक है। आईएस वक्र का जो दाईं तरफ की बात की गई है तो ये गलत हैं। और फिर चौथा हमारा डी है, आईएस वक्र के दाईं तरफ के बिंदुओं वस्तुओं की अत्यधिक आपूर्ति को प्रकट करता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन हैं बी और डी जो हैं वो सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट हैं, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बेरोजगारी दर की कौन सी अवधारणा सही है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है प्राकृतिक बेरोजगारी की जो दर होती है वो एक तो घर्षणात्मक और दूसरी संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, उन दोनों का योग होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो जो प्राकृतिक बेरोजगारी की दर है वो भारत में तो कितनी है, 5% के आसपास है। जैसे हम 2019 की बात करें तो 2019 में 5.36% के आसपास थी, 2018 में भी 5.3% के आसपास ही थी। जो वर्तमान में अर्थशास्त्रियों के विचार हैं उनका मानना था कि जो प्राकृतिक बेरोजगारी की दर है वो लगभग 4 से लेकर 6.5% के आसपास रहती है, इसका अनुमान लगाया गया है। तो वर्तमान समय में भारत में जैसे 5.3% के आसपास है प्राकृतिक बेरोजगारी की दर। नेक्स्ट हमारा है 17th, उपभोक्ता व्यवहार अधिगम, सूची फर्स्ट में हमको दे रखी हैं और सूची दो में अर्थशास्त्रियों के हमको नाम दे रखे हैं, इनको हमको क्या करना है, सही चयन करना है, सही कूट मिलाना है। तो देखिए, उपयोगिता की जो मापनी उपागम है, मतलब उपयोगिता को हम माप सकते हैं, इसका ऐसा किसका मानना था, मार्शल का। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, जो प्राचीन विचारधारा है मार्शल की वो आनी चाहिए। उसके बाद में अनधिमान वक्र जो है वो किसके उदाहरण है, हिक्स की है, तो फिर आएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। उसके बाद में प्रकट अधिमान सिद्धांत, जो रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी वो किसकी है, प्रोफेसर सेमुलसन की है, तो फिर आना चाहिए फोर। और जो जोखिम युक्त चयन का नव उपयोगिता सिद्धांत है, अनसर्टेनिटी की कंडीशन में कंज्यूमर बिहेवियर का जो एनालिसिस वो किसके द्वारा किया गया था, न्यूमैन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आएगा फिर हमारा सही क्रम क्या होना चाहिए, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ये है ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट है, यदि एक एकाधिकारी अल्पकाल में हानि उठाता है तो फिर दीर्घकाल में वह, देखिए जो मोनोपोली फर्म है उसको अगर अल्पकाल में तीन कंडीशन हो सकती हैं, उसको लॉस भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और अतिरिक्त लाभ एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन दीर्घकाल में क्या होगा, वो अगर हानि उठाता है अल्पकाल में तो दीर्घकाल में अपने व्यवसाय को वो बंद कर देगा, खो बैठेगा, ऐसा भी हो सकता है, या दीर्घकाल में अपने व्यवसाय को वो चालू रखेगा, ऐसा भी हो सकता है, या संतुलन स्तर जो है वो बनाए रखेगा। ये तीनों कंडीशन जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी संभावित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, केवल डी, मतलब कि जो तीनों स्थितियां हैं वो संभावित हो सकती हैं। अल्पकाल में अगर एकाधिकारी को हानि हो रही है तो ऐसी स्थिति में दीर्घकाल में वह, इन तीन स्थितियों में कोई सी भी स्थिति जो है वो उसके सामने हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है 19, सूची एक में दी गई मदों को सूची दो में दी गई मदों के साथ में हमको सुमिलित करना है। तो सबसे पहले अगर हम विनिमय समीकरण की बात करें, मुद्रा के बारे में जो लेन देन दृष्टिकोण है, तो ये जो अवधारणाएँ वो किसकी हैं, फिशर की हैं। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, फिशर। उसके बाद में जो नकद शेष दृष्टिकोण है कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रों में, मार्शल और पिगू का दृष्टिकोण आना चाहिए, तो मार्शल और पिगू मतलब फोर आना चाहिए उसके बाद में। फिर मुद्रा की मांग का जो प्रतिगामी प्रत्याशा मॉडल है वो किसका है, प्रोफेसर किन्स का है, तो फिर क्या आना चाहिए हमारे पास में, वन आना चाहिए। और मुद्रा की मांग का अल्फ्रेड वर्गमूल फॉर्मूला जो है वो किसके साथ संबंध रखता है, बोमोल के साथ में, तो फिर आना चाहिए टू फोर वन थ्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है 20वां, लाभ अधिकतम करने वाले उत्पादक को सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति करने की कोई प्रेरणा नहीं होती है। यहाँ पर हमको एक अभिकथन दे रखा है और फिर उसका कारण दे रखा है।
तो जो उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं वो सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति करने में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और फिर यदि वह इनका उत्पादन करता है तो वह लोगों को उनका उपयोग करने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि सार्वजनिक वस्तु होती है उनका प्रयोग सभी व्यक्ति कर सकते हैं, उसके उपयोग करने को किसी को हम वंचित नहीं कर सकते, किसी को रोक नहीं सकते हैं, और इसलिए उसकी कीमत भी वसूली नहीं जा सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन है डी, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।